महाप्रभुंकर अहेतुकी करुणार परिणाम स्वरूप संप्रति सिद्धार्थ भक्तिर परम पावन कार्यक्रम भागवत टुंगी जोड़ी होता अगणित श्रद्धालु भक्त भाई माँ मानू सभक्ति जय गुरु जय जगन्नाथ दिव्यात्वन विगत पर्यायर आम मैंने आस्वादन करुले दीति बड़ प्रेम कातर होनंग बाण मानने एभली भाव जर्जरित होती जी स्वामी की प्रार्थना करुंट मत ये संध्या समय काम सुख दरकार से काम को विनाश करने राम आवश्यकता अच्छे जहाँ राम तहाँ काम नहीं जहाँ काम ही नहीं राम आम मैंने विगत पर्यायर आस्वादन करुले मन हाथी आने माती राम गीति भूलना विषय माया संपत्ति मोह माया छलना तो आज से काम पीड़िता दीति किभली भाव स्वामी कश्यप को प्रार्थना करसतु से कथा को आस्वादन करवा ता पंच बाणी मोर मने गोविंद दही तुम्हार बिहुने गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद गोविंद कदळी बन जले गज गोविंद दंते बेदारे महातेज गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद गोविंद बोल श्रीमद भागवत भगवान के दीति एते कामरे जर्जरिता हो जाते कामरे पीड़िता हो जाते निज शरीर को निज संभा पार ना जा स्वामी पाखे कहते हे स्वामी जमीती कदली बन जेने गज दंते विदारे महातेज जदि गोटे हाथीटीए बणुआ हाथीटीए कदली बण भितर पशिगले तार दंत दिए से कदली गच को खेनबेन कर पकाए थोर पाउडर उपाड़ी आण कर फोपाड़ी दिए फिंगी दिए नष्ट कर दिए आज मो देहर अवस्था से ये कामदेवर जो पंच बाण ता पंच बाणी मोर मने दही तुम्हर बिहुने तुम लगी मो देह दहन हो जाऊँगी पीड़ित हो जाऊँगी मो देह दग्धीभूत हो जाऊँगी प्रेम काम प्रकृतर बेले बेले काम को आम मैंने प्रेम आख्या दे थाए किंतु ताहा नुहे प्रेम कौन संत कबीर कहते पोथी पढ़ पढ़ कर मैया पंडित भय न कोई ढाई अक्षर प्रेम को पढ़े सो पंडित होई कहले गुड़िए पोथी पढ़ी देले सी के ही पंडित हूँ ताले पंडित किए ना जी अढ़ई अक्षर प्रेम या बुझीपारी प्रकृतरे पंडित होची सही ताले प्रेम किए श्री चैतन्य महाप्रभु के भाषा आत्मेन्द्रिय प्रीति वांचा तारे बोली काम आत्मेन्द्रिय प्रीति वांचा तारे बोली काम कृष्णेन्द्रिय प्रीति वांचा धरे प्रेम नाम कृष्णेन्द्रिय प्रीति वांचा तारे बोली प्रेम कृष्णेन्द्रिय प्रीति वांचा धरे प्रेम नाम कृष्णेन्द्रिय प्रीति वांचा धरे प्रेम नाम बोले सच्चिदानंद भगवान की काही काच आउ काही कांचन सेमिति काम आउ प्रेम प्रेम होचे ऐश्वरिक अनुभूति आत्मेन्द्रिय प्रीति बांछा तारे बोली काम शरीर को सुख देवा पाई जहाँ अनुभव हुए ताहा काम किंतु आत्मेन्द्रिय नुह कृष्णेन्द्रिय भगवान को पाई जहाँ करा जाए ताहुचि प्रेम जहाकु आम उत्कल माटीर सुयोग्य संतान विदग्ध कवि अभिमनु सामंत सिंहार कहते प्रेमटा कौन अनल नुहई देह दहई अस्त्र नुहई मरम भेदई नुहई तो जल बुड़ाए कूल नुहई मादक करे विहोल नुहई बड़सी मन मीन को से निया करसी ये हूँ प्रेम से निया नुह अनल नुहई कि देह को दग्धीभूत करदेव अनल नुहई देह दहई
से अस्त्र नुह कि मर्म को विदारण करदेव से जल नुह कि कूल को उड़ेदेव नुह तो जल बुड़ाए कूल नुह मादक से कौन से मद्य नुहे कौन सी निशाद्रव्य नुह नुह मादक करे विहल विहलित करदेव मतवाला करदेव नुह बड़ शिष्य बनीशी नुह कि मन मीन को आकर्षण कर नहीं जीव तेणु प्रकृतर प्रेम भगवान को पाइबार माँ पुओ को प्रेम करे भक्त भगवान को प्रेम करे गुरु शिष्य को प्रेम करती शिष्य गुरु को प्रेम करे ये हूँ ऐश्वर्य किंतु देह सुखपाई जहाँ कराए ताम ता क्षण स्थायी तेणु आज द्वितीय बड़ अस्थिर ही पड़े द्वितीय बड़ चलचंचल हो पड़े स्वामी पाखे जा पहुँची प्रार्थना कर एबे मोठारे अनुग्रह गोविंद करी सकल सुख दिया गोविंद 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 पदु गळुछि मकरंद गोविंद कहले मोर आउ किछि दरकार नै मते एबे टिके स्वामी सुख दरकार मते टिके सेही सुख दियो काम सुख दियो मु आउ किछि चाहेना मु बड़ अस्थिर ही पड़िलिनि संध्या बेळ ईश्वर को चिंतन करिवार बेल प्रार्थना करिवार बेल जप करिवार बेल साधना करिवार बेल देवार्चना करिवार समय यही समय राम चिंता छाड़ी आज काम चिंतार प्रवीण हो पड़ते किए ना दीति आजिकल देखा जाए संध्या समय बहुत लोकंर गृह ताला पड़ी से बुलाई कड़े टी बुली पार्क बुली जा किंतु संध्या समय देवता मानकर अर्चनार समय देवता माने आसंती गृह गृह बुलायापाई कहीं गृहस्थ हूँ सबु धर्मर रक्षा कवच सदृश गृहस्थ सर्वधर्म रक्षा तेणु देवार्चन केवल घर आम मानक भोजन भोक लगे जावा शोवा आवश्यकता हेल्ले शौच हबार आवश्यकता हेल्ले यहीपाई कौन घर है घर हूँ गोटे आश्रम कुआडे बुली बुली जो आप गृह को आसुचार आपणकर गृह देवता देवी को स्मरण करूँ निजर बापा माँ को प्रणाम करूँ तेबे साई परिवार टी कौन हम वैकुंठ समान अटे से ही घर परस्पर स्नेह जही थाए नीरा तर परस्पर स्नेह जही थाए निरंतर बोले सच्चिदानंद भगवान की जो परिवार रे परस्पर भितर आत्मीयता थाए स्नेह थाए श्रद्धा थाए भौणी ममता भाईर स्नेह पिता मातांकर आशीष पाई नाही जी जीवन रे से केउ मणिषरे मणिष एई तो घर काही बंधुता काही प्रेम सुंदर जार प्राप्ति लगी देवता नर देवता माने एणु ए स्वर्गवासी जने चित्ते चिंतंती अनुक्षणे भारत भूमि मध्य जाई मनुष्य तनु आमे पाई महाप्रभु किड़ी कृपा करी करुणा करी आम मान को केते जोनी भ्रमण करई करई आज श्रेष्ठ जन्म मनुष्य जन्म देई जदि मनुष्य जन्म देले ये जीवन रे लाभ उठे देवा दरकार कौन लाभ ना ये मनुष्य जन्मे अच्छे लाभ जेबे गोविंदे करे भाव जेबे गोविंदे भाव ना ये मनुष्य जन्मे लाभ ना तेणु काम चिंता करी करी मरना हंत तो राम चिंता कर मुक्ति मिली जीव तेणु आज दीति संध्या समय संध्या बंदन छाड़ी ईश्वर को प्रार्थना छाड़ी तो स्वामी पाखे काम सुख प्रार्थना कले कौन कहले स्वामी की कहले जहाँ स्वामी होए तो स गोविंद संसारे रहे तार जस गोविंद 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 पदु गळुछि मकरंद गोविंद अपना रूपे पुत्र जात गोविंद हुई जार गर्भगत गोविंद 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 ओ पिता दक्ष प्रजापति गोविंद प्रजा सर्जने तार मती गोविंद 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 पदु गळुछि मकरंद गोविंद
गोविंद आमर गर्भे पुत्र जेते गोविंद धर्म पाड़े ए जगते गोविंद 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 पदुगढ़ क्षेम करंद श्रीमद भागवत भगवान की जी स्वामी को पाखरे शास्त्र सुणौंती कौन कहले कहले जहाँ को स्वामी हुए तोष संसार रहे तार जस जो स्त्री परे ता स्वामी संतुष्ट थाए ताले से स्त्री कौन हुए जश कीर्ति किमती दुहिता दुही कूल को हिता नले दुही कूल को पिता जदि भल झीटे बापार थिबो बापार मन दुख हुए झी घर छाड़ी गला बेलू से पटे पति घरे मध्य ससुर सासु से माने मध्य चाहिथांती ये बहु नुह ये आमर भी गोटे झील उभय कूल तार प्रशंसा बढ़ी थाए किंतु एपटे थिला दुष्टा आउ से गले मध्य दुष्टा दुई कूल को पिता से जीवन थाई के न थाई के तेणु जी स्वामी को संतुष्ट करे स्वामी गुरु स्वामी परम बांधव स्वामी सेवा नारी धर्म स्वामी पदे भक्ति अर्चना रे मती करी तु करिबु कर्म स्वामी को भोजन परे तु भुंजिबु सोइबु शयन परे स्वामी कर सज्जा छाड़ीबा पूर्वरु उठुथिबु प्रतिस्वरे जो माटी ए प्रकार पतिव्रता बा स्वामी कर सेवा करी थाए जहाँ कु स्वामी स्वामी हुए तोष संसारे रहे तार जस स्वामी जदि संतुष्ट हो गले आपणा रूपे पुत्र जात हो जार गर्भगत से पुत्र किए पुत्र हूँ स्वामी स्वरूप स्वामी निजे पुत्र रूप से कहीं आम समस्ते कौटू आसीचे आम समस्ते पितामाता संजोग काले बीजा लेखई कपाड़े पिता देहर मृत्यु होगला बिंदुर मृत्यु हैलाना से पुत्र रूप से आम पाखे प्रकाशित तो आम पीढ़ी पर पीढ़ी जो आसीचे वंशानुक्रमिक भाव विचार कले बापा पुओ भितरे पुणे नाती भितरे एमती ही तांकर गुणसूत्र काम करी करी आसुची तेणु जदि स्वामी स्त्री उपरे संतुष्ट हो गले ताले कौन लाभ हम ना आपणा रूपे पुत्र जात हो जार गर्भगत जहाँ उपरे स्वामी संतुष्ट हो जाए जो नारी उपरे से कौन करती आपणा रूपे पुत्र जात तांकर निज पत्नी गर्भर तांकर स्वरूप गोटे पुत्र को जन्म दिंती आ मो पिता दक्ष प्रजापति सुंदर सृष्टि निर्माण करेणु आम ठार जो पिला जन्म हेबे आंभर गर्भे पुत्र जिते धर्म पाड़े ये जगते से मैंने निश्चय धर्म पालन करेंगे तेणु आपण कृपा कर मत गोटे पुत्रवती करूँ मत पुत्र सतान दिंतु मो शरीर जो काम पीड़ित मोर पीड़ा को लाभ लाघव करूँ तो यही कथा जिते कहते एक कथा मने विचारिला जतने आम्भंकु पचारिला गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद समति देखिण आम्भर तेणु बरिला तोते बर गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद आम्भे जे भगनी त्रयोदश तुम्हार चरण विश्वास गोविंद गोविंद शील गुण तुम्हे तो प्रत्यक्ष प्रमाण गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद बोले सच्चिदानंद भगवान की मोर पिता दक्ष प्रजापति आपणकर जो शीलता आपणकर भद्रामी देखी आपणकर तेज वीर्य को लक्ष्य करी आपण हस्तरे आम तेरह जन को समर्पण करते आंबे जे भग्नी त्रयोदश तुम्भर चरण विश्वास आम समस्ते राजी हेलु आपण को विवाह करिया पाई
आम्भर रूप शील गुण तुम्हें जे प्रत्यक्ष प्रमाण आपण सादरे आम मान ग्रहण करते तेणु जो उद्देश्य आम आपणकर पत्नी भाव गृहता होचु अंत से उद्देश्य मोपाई सफल करातु भोनाथ नलिन लोचन एवं तु करम वचन हे महाप्रभु स्वामी की संबोधन कर मो संगे कर एवं रति सौभाग्य हो मो सतति एवं यही समय मो सांगे रति क्रीड़ा करूँ मोर गोटे संतान दरकार मत गोटे पुत्रवती करूँ जिते बुझेले कश्यप बहुत बुझेले ना 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 अरे ये समय उपयुक्त समय नुहे कारण ये समयटा हूँ काल समय ये शिवंकर समय ये हूँ काल बेला ये समय पति पत्नी मेल हेले संतान सतति ठीक हे ना तेणु ये समयटा से समय नुहे बारंबार बारणा करिया सत्वे किंतु द्वितीय कथा को मानिले बड़ दुख कले कश्यप अरे मुझे यज्ञ मंडप बसी ध्यान अवस्था अच्छी आहुति एवं सरी यज्ञ मंडप छाड़ी नहीं स्त्री आसिक मो पाखे पहुँची कहे मत काम सुख प्रदान करते कि दुर्भाग्य मोर ये समय तो ठीक समय नुहे आज मैत्र मुनि विदुर को सही कथा कहते कहे बुझला विदुर एमते सुनीता वचन गोविंद कश्यप होई दुख मन गोविंद 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 पदुगढ़ छेम करंद गोविंद चाहिले दितिर बदन गोविंद अनंग वाणी छन छन गोविंद 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 पदुगढ़ छेम करंद सच्चिदानंद भगवान की मैत्र मुनि कहते विदुर देख कालर गति बड़ विचित्र जितेबले कश्यप मुनि चाहिए दीति की मन इड़े चंचल होड़े छन छन अवस्था मन से देखिले जे अतीब भाव पीड़िता हो पड़ते कामनुमता हो पड़ते किए ना दीति तेणु तक बुझेवाक चेष्टा करश्यप कौन बुझेले कश्यप कहले हे देवी दीति मु अवश्य तुम्हारा मन कथा बुझी पारुची किंतु एटा पूरा संध्या काल ए समयटा तो उपयुक्त समय नुहे पति पत्नी का मिलन पाई ए संध्या काले मोर पासे तुझे मिलिलु रतियासे गोविंद 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 ए धर्म प्रमाण शोभाम के अन्यथा करीब गोविंद 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 पदुगड़ुछि मकरंद सर्व आश्रम मध्य सार पुत्र कलत्र घेनि घर गोविंद 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 पदुगड़ुछि मकरंद श्रीमद भागवत भगवान की से पर्व पावनी कथामृत को आस्वादन करुवा जिते दीति बड़ व्याकुल पड़ते प्रेमनमता हो पड़ते कामनमता हो पड़ते स्वामी पाखे प्रार्थना करुँच मत एवे आज यही मुहूर्त पुत्रवती करातु मत काम सुख दरकार से कश्यप जान ले बड़ विड़म्बनार कथा ये संध्या समय दुख कले एमंत शुणीता वचन कश्यप हो दुख मन बड़ दुख कले कण कि कथा ये संध्या समय पत्नी चाहू पति सुख संसार स्वभावटी जी धर्म कर्मे रहे गृही संसार धर्म गृही माने जदि ठीक धर्म आचरण न करिवे तांकर उत्तम संतान संतति हेबेनी आउ जी उत्तम गृहस्थ गृहस्थ सर्वधर्म रक्षा अतिथि सेवा गुरु दीक्षा तो गृहस्थ आश्रम टू बड़ आश्रम किछि नाही जेडे साधु संत सन्यासी हुवंतु ब्रह्मचारी वैराग्य हुवंतु भगवान भी हुवंतु से गृहस्थ माध्यम ही आसी गृहस्थ आश्रम को आम अस्वीकार करवानी असमान करवानी गृही बेली क्या घृणा करवानी से गृही समस्त अन्नदाता तेणु से आदर्श जीवन जापन करवा दरकार एणु हो दुख पार बोते जेने पार पार सुंदर संसार थिले माँ बापा भाई भौणी समस्ते जदि आनंद चलु थे ये संसार समुद्र को पारिवाप ये पर गोटे नौका भाया हो
तेणु परिवार गोटे मंदिर निजर सुंदर घर हूँ गोटे देवालय ता भितरे देवता अच्छा मोर गुरु गुरुजन मोपाई मो पिता माता जीवंत देवता तो जीवंत देवता होती माँ बापा तंकर कथा मानी पु झी मैने बहु नाती नातुणी जदि समस्ते गुरुजन कथा मानी चलती ताल से परिवार टे केते मिठा केते आनंद आसे गोटे गोटे मुहूर्त लगे कि आनंद भगवान किए गड़ा ये सुंदर संसार केउठारे लुचि रहिलो हे महाप्रभु केड़े सुंदर सृष्टि आपण तयारी करिसेंति मोर परिवार केड़े सुंदर मोर पिला माने केते भलो ये चिंता आसिले बापा को केड़े संतोष जदि पिला दुष्ट हो गला प्रति मुहूर्त रे माँ बापा मुंड बाड़ाउथिबे भगवान पिला बरु न दे थांदे नहीं एमितिया पिला देले जे गोटे मुहूर्त घरे शांति नहीं पिला न होले बापा माँ प्रार्थना करती भगवान को प्रभु संतान टे दि पिला हो प्रार्थना करा नई भल होता कहीं पिला जन्म करवा पूर्व अंत भगवान को प्रार्थना करमि मार्कंड मुनि मूर्कंड ऋषि किसी पिला छुआ ना सी भगवान को स्तुति कले प्रार्थना कले जे प्रभु मत गोटे सतान दिंतु भगवान कहले जड़े दीर्घाऊ पु दरकार जी दीर्घाऊ बहुत दिन बचिव किंतु ज्ञानहीन कर्महीन बुद्धिहीन बेकहीन सेमती पिलाटे दरकारे ना गोटे अल्पाऊ ज्ञानी एवं परम वैष्णव पुत्र टे दरकारे मूर्कंड कहले महाप्रभु मत दरकार ना दीर्घाऊ पिला दुष्ट पिला अल्प दिन पछे बचु से अल्प अल्प आयु पछे हो किंतु मत गोटे ज्ञानी पिलाटे दिंतु भगवान कृपा कर मार्कंड को देले जो मार्कंड अल्प दिन सिना आसीते जोबले बापा सतकथा शुणीदे भगवान को तपस्या कर यह परिवर्तन करदे जे सप्त कल्प व्यापी बचिले जो आम श्रीक्षेत्र पुरी रे मार्कंड नारे अच्छी मार्कंडेश्वर साई मार्कंड पुष्करणी मार्कंडेश्वर मंदिर तेणु सप्त कल्प व्यापी बचिले तेणु अल्प दिन पछे बचा कि कथा ना आनंद बचा भगवान को भक्त हिंकर बचा एमती लक्ष वर्ष बचिक लाभ कौन अच्छे मानव जीवन नुह केवल वर्ष मस दिन दंड कर्मे जीवन कर्म एकातार जीवन मानदंड किए केत वर्ष अधिका बचला से बड़ गुरुत्वपूर्ण कथ नुहे जगतगुरु शंकराचार्य मात्र केत वर्ष भोग करते आयुष चारिधाम चारिपीठ को स्थापना कर स्वामी विवेकानंद मात्र केते वर्ष थिले शरीर रे मात्र विश्व विजयी विवेकानंद ही पारे तेणु बहुत वर्ष बचार किसी आवश्यकता ना अंतत जेतिक दिन बचा भलरे बचा दरकार से परम पावन कथा को पुनश आम परवर्त पर्यायर आस्वादन करवा आज समय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ पाही माम जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ रक्ष माम जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ पाही माम जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ रक्ष माम जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ पाही माम जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ रक्ष माम जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ पाही माम जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ रक्ष माम बोले जगन्नाथ महाप्रभु की।